लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लव इनफाइनाइट चैनल आप सभी को ज्योतिष, टैरो और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारी जानकारियां लेकर आता है। तो इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। काल सर्प दोष के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर कोई मनुष्य कोई ना कोई दोष लेके पैदा होता ही है पास्ट लाइफ कर्मा के कारण, ठीक है। पिछले जन्म मानव जीवन में जो भी हमने कुछ गलत कर्म किए हैं उसका फल तो हमें भुगतना पड़ता है, मतलब कि वी हैव टू पे और रीपे दीज कर्मास, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष अगर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं ना, उसी तरह से जो लंबे प्रभाव पड़ते हैं चल और अचल दोनों ही, उन प्रभावों को काल सर्प योग भी कहते हैं। बृहद संहिता में वाराह मिहिर ने भी काल सर्प योग की खूब चर्चा की है, लेकिन जो प्राचीन ग्रंथ हैं ना ज्योतिष से रिलेटेड, उसमें इनके नाम हैं जैसे काल योग, महाकाल योग, विष योग, वैदूषण योग, इस तरह के नाम से काल सर्प योग को प्रोनाउंस किया गया है, ठीक है। और अगर वेस्टर्न साइड से ब्रिटिश ज्योतिष की बात करें जिनका नाम है विलियम रॉबर्टसन, इन्होंने भी इस ग्रहण को एक्सेप्ट किया है कि हाँ काल सर्प दोष होता है। इसी तरह से सेफेरियल हैं पाश्चात्य जगत के यानी कि वेस्टर्न साइड के, उन्होंने भी काल सर्प योग को एक्सेप्ट किया है। कई लोग कहते हैं कि काल सर्प योग सिर्फ 42, 45 या 47 ईयर्स तक रहता है, ऐसा नहीं है, ये जीवन पर्यंत ही रहता है। अब देखिए मान लीजिए 47 ईयर्स तक भी रहा तो जीवन पर्यंत ही हो गया, 47 ईयर्स तक आप तकलीफ में रहे, पीड़ा में रहे, तो क्या हुआ, यही तो हुआ, तकलीफ तो रही ना। उसके बाद अगर आप सोचें कि इसके बाद अच्छा समय आएगा तो फिर क्या आएगा। वैसे सही मायने में देखा जाए तो इसके बाद भी ये काल सर्प योग का असर दिखाई देता है। जातक तत्वम या ज्योतिष रत्नाकर या जैन ज्योतिष और पाश्चात्य जो भी पाश्चात्य यानी कि जो भी वेस्टर्न साइड के ज्योतिष हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने भी काल सर्प योग को मान्यता दी है। मतलब कि आप किसी भी धर्म से हैं, ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष में ही ये माना जाता है, तो जैन ज्योतिष में भी इसको बहुत अच्छी तरीके से माना जाता है। बल्कि जैन ज्योतिष लोगों ने तो बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, विद्वानों ने, है ना। तो बात यह है कि आपने ये पूछा है कि इसका किस तरीके से विधि विधान से निवारण किया जा सकता है। अगर आप खुद से करना चाहें तो इसके लिए मुहूर्त देखना होता है, जैसे अश्विनी, रोहिणी, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, उत्तरा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, रेवती, इन 16 नक्षत्रों में से जो भी मैंने अभी ये 16 नक्षत्र बताए हैं, इन 16 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र इस विधि को या शांति को पूर्ण करने के लिए सही है। मतलब काल सर्प शांति के लिए ये वाला मुहूर्त बिल्कुल सही रहता है। और इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें आप घर में भी कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक होकर व्रत का संकल्प लेकर आप सोने के 9 नाग बना सकते हैं, नहीं तो चांदी के 2 नाग बना सकते हैं। 2 नाग मतलब एक नाग नागिन का जोड़ा जिसे कहते हैं, वो बना के रख सकते हैं। और जो राहु को भोजन प्रिय है यानी कि सतनजा जिसे कहते हैं, वो रख सकते हैं। वो उसका भी रखने का मतलब है, उसको रखने के बाद या तो हवन के थाली के नीचे रखा जाता है जिस पर हवन कुंड के नीचे या साइड में रखा जाता है, और हवन के समय उसको दश धान्य को डाला जाता है। सतनजा भी कहते हैं, दश धान्य भी कहते हैं। वो सतनजा में 7 तरह के अनाज आते हैं, दश धान्य में 10 तरह के अनाज डाले जाते हैं, क्यों, जो कि जो राहु देवता को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, जो राहु देवता को प्रिय होते हैं। ऐसे ही हवन सामग्री डाली जाती है और तैयार की जाती है, और पिंड भी तैयार किया जाता है, और पूजा बिल्कुल सही तरीके से की जाती है जिसमें संकल्प लिया जाता है पहले, फिर गणपति पूजन होता है, फिर पुण्याहवचन होता है, फिर मातृ पूजन होता है, फिर नांदी श्राद्ध होता है, फिर नवग्रह पूजन होता है, फिर होम या हवन, इस तरह की बातें शांति विधान के लिए होती हैं। अगर आप कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे कहते हैं काल सर्प शांति, जिसमें राहु काल और सर्प की पूजा की जाती है, यानी कि
सर्प शांति पूजन किया जाता है या सर्प सूक्त को पढ़ा जाता है। मंत्र जप किया जाता है, फिर जितना भी आपने समय लगाया है उसका दशांश होम किया जाता है, और दशांश होम मतलब दसवें भाग हवन किया जाता है। ब्राह्मण भोजन किया जाता है, दान दक्षिणा की जाती है, गाय के लिए फीडिंग की जाती है, और यही सारे काम अगर काल सर्प शांति आप मुझसे करवाते हैं तो यही सारे विधि विधान से ये कार्य मैं संपन्न करती हूँ अगर आप कहें तो। अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं। और काल सर्प दोष को नाग दोष माना जाता है, और इसीलिए नागबली और नारायण नागबली को भी जरूर से जरूर पूजना चाहिए, क्योंकि यही पूजन मेन इम्पॉर्टेंट है काल सर्प दोष में। काल भी है और सर्प भी है, इसीलिए इसे काल सर्प दोष मानते हैं। सर्प यानी कि नाग, इसलिए नागबली, और नारायण नागबली यानी कि भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है, नारायण नागबली का पूजन किया जाता है, जिसे काल सर्प शांति पूजन कहते हैं। ठीक है, इसे कहीं बाहर भी कर सकते हैं, किसी भी पवित्र स्थान में, नहीं तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर ऐसा शुद्ध सात्विक होना चाहिए मंदिर के समान, जहां पर मतलब, या फिर एक रूम हो जहां पर सेक्स वगैरह नहीं किया जाता हो, उस जगह पर आप हमेशा कर सकते हैं। एक मंदिर को ही इतना, या एक रूम को ही इतना अच्छा बना लिया जाए, चाहे वहां सोते हैं लेकिन कोई किसी के साथ फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, या आप अपने ही साथ खेलते नहीं हैं, तो वो बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। ठीक है, काल सर्प दोष के लक्षण तो बहुत हैं, जो कि आपको पता ही होंगे कि कोई भी काम अच्छा ना होना, या शादी ना हो पाना, हो रही है तो ना हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। चाहे आप बहुत ही अफ्लुएंट फैमिली से हैं तो भी काल सर्प योग असर डालता है, जैसे कि शादी ना होना, फाइनेंशियली दिक्कत आना। अब आप कहेंगे इतना अमीर आदमी अरबपति है, उसको क्या फाइनेंशियली, होती है, क्योंकि वो लोन वगैरह में फंस जाते हैं, या उनका पैसा किसी को दिया है तो वो वापस नहीं आ पाता है, इस तरह की बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, एंगर, डर, उदासीनता, विक्टिम मेंटालिटी, इस चीज़ को ले आता है कि मेरे पास तो अब कुछ होगा ही नहीं। तो यही मैं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके काल सर्प योग के लक्षण होते हैं। बेसिकली अगर बात करें कि काल सर्प योग के प्रकार कितने होते हैं, तो ये होते हैं टोटल 12 तरह के, 12 प्रकार के होते हैं, जो कि नागों के ही नाम पर है, इसीलिए नाग को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसीलिए कहते हैं कोई भी नाग देवता को दिख जाए तो नमस्कार करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, या नागेंद्र हराय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, या जय नाग देवता की यही बोल दीजिए, ये भी सही रहता है। सावन के महीने में नाग आ जाए घर में तो वो बहुत अच्छा होता है। कभी मारना नहीं चाहिए, लाठी वगैरह या जान से मारना, ये वाला काम करने अगर आपने पास्ट लाइफ में ये किया है तो भी काल सर्प दोष लग जाता है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि पहला काल सर्प योग जो है उसका नाम है अनंत, इस तरह से बोलूंगी, जैसे कि अनंत नामक काल सर्प योग। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको अनंत नामक काल सर्प योग है तो उस जातक के लग्न से लेकर सप्तम भाव तक राहु केतु के बीच में जो भी ग्रह आते हैं तब ये योग बनता है। इसका फलादेश क्या होता है, मतलब कि क्या रिजल्ट मिलता है, क्या होता है, अगर अनंत काल सर्प दोष है तो पूरा जीवन संघर्ष में जाता है, वैवाहिक जीवन भी कष्ट में जाता है, और जो भी आपके कुटुंबजन हैं वो आपको छोड़ देना शुरू कर देते हैं, हर तरह की हानि होनी शुरू हो जाती है। दूसरा बताती हूँ कुलिक काल सर्प दोष। कुलिक काल सर्प दोष में आपके जो कुंडली के द्वितीय भाव से लेकर अष्टम भाव तक सभी ग्रह द्वितीय और अष्टम भाव में राहु केतु होते हैं के बीच में होते हैं, तो फिर समझिए ये आपको कुलिक काल सर्प दोष है। इसका फल मिलता है कि धन को लेकर जातक के जीवन में उतार चढ़ाव आने लगता है, और अपयश भी आता है। अपयश यानी कि बदनामी हो सकती है किसी भी तरीके से, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बिना बात के खर्च होते हैं, आना कम होता है पैसे का, जाना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो और कुलिक काल सर्प दोष में जातक की स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि वो कंगाल ही हो जाए, जीरो पर आ जाए, तो ऐसा होता है। अब अगर वासुकी काल सर्प योग की बात करें तो उसको कुंडली में ऐसे देखेंगे कि अगर तृतीय भाव से नवम भाव तक आपके ग्रह राहु केतु की स्थिति के अंतर्गत आते हैं, इन दोनों के बीच में आते हैं, तो वासुकी नामक काल सर्प योग बनता है। उसका फल इस प्रकार है कि इस योग में जातक को कुटुंबी और भाई बहनों की ओर से बहुत परेशानी होती है, यानी कि भाई बहनों से इनकी बनती नहीं है, और मित्र भी धोखा दे जाते हैं,
नौकरी और जो भी तरह का उनका बिजनेस है उसमें बदनामी भी हाथ लगती है और पैसा भी जाता है। आगे ले लेते हैं चौथा जो होता है वो है शंखपाल काल सर्प योग। इसको कुंडली में देखेंगे राहु केतु जो है चतुर्थ भाव से दशम भाव तक, इस बीच में अगर आपके सारे के सारे ग्रह आते हैं तो शंखपाल काल सर्प दोष बनता है। इसमें जो जातक को, जातक की माता है होती है ना, उनके लिए परेशानी होती है या उनसे परेशानी होने लग जाती है अगर आपको शंखपाल काल सर्प दोष है तो। आपको शंखपाल काल सर्प दोष में वाहन से भी दिक्कत आती है, भूमि से भी दिक्कत आती है, भवन और नौकर चाकर इन सब से भी परेशानियां आने लग जाती हैं, और पिता और अगर आप पत्नी हैं किसी की तो पति से भी, पति की ओर से भी दिमागी कष्ट यानी कि मेंटल प्रॉब्लम की समस्या आने लगती है, या ये कहें कि साइकोलॉजिकल इलनेस शुरू हो जाती है, भूलने की समस्या, लड़ाई झगड़े की समस्या, विश्वासघात की समस्या, बिट्रायल जिसे कहते हैं, इसकी समस्या शंखपाल काल सर्प दोष में दिखाई देती है। पद्म काल सर्प योग अगर है तो वो कुंडली में पंचम भाव से द्वादश भाव तक देखते हैं जिसमें राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं आपके। तो इसमें जातक को संतान की समस्या होती है, मतलब कि अगर आप संतान करना चाहते हैं लेकिन आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं फिर भी बच्चा नहीं कर पा रहे हैं या कंसीव नहीं कर पा रही हैं आपकी वाइफ, तो समझ लीजिए आपको पद्म नामक काल सर्प योग है। पद्म काल सर्प योग में और क्या हो सकता है कि पढ़ाई करने में दिक्कत आती है, और हायर एजुकेशन लेनी हो तो कई बार एग्जाम में फेल हो जाते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि एग्जाम ही ना दे पाए। अपने बच्चे की चिंता आपको होने लगती है अगर पुत्र है भी तो। ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, काल सर्प योग है तो बच्चे ही नहीं होते, ऐसा नहीं होता, या शादी ही नहीं होती, शादी भी होती है बच्चे भी होते हैं, लेकिन समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, गुप्त शत्रु आपके बने रहते हैं, ये होता है पद्म काल सर्प योग में, असफलता आपके पीछा नहीं छोड़ती। छठा है महापद्म काल सर्प योग। इस योग में राहु केतु षष्ठम भाव से लेकर व्यय स्थान तक आपके सारे भाव आ जाते हैं, सारे ग्रह आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाता है महापद्म। इसका फलादेश इस प्रकार से बताऊंगी कि इस योग के कारण जातक को रोग बहुत हो जाते हैं। महापद्म काल सर्प दोष में इंसान को इतने रोग हो जाते हैं, वो कहते हैं यार एक रोग छूटता नहीं दूसरा आ जाता है फिर तीसरा, बड़े बड़े रोग भी हो जाते हैं और बहुत सारे आपके शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। विदेश यात्राएं भी करते हैं लेकिन वो असफल हो जाती हैं। किसी काम के लिए जाते हैं वो बस एक तरह से पैसा बर्बाद होता है, जाते हैं और आते हैं कुछ काम बनता नहीं है, इससे जीवन में निराशा आने लगती है। ये है महापद्म काल सर्प योग के लक्षण। सातवां है तक्षक काल सर्प योग, जिसमें सप्तम भाव से लेकर लग्न तक राहु केतु के मध्य जितने भी ग्रह आते हैं तो ये योग बनता है, और इस योग में जातक को विवाह में अड़चन आने लगती है। किसी तरह से शादी हो भी गई तो दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहने लगता है, इवन डिवोर्स तक की भी नौबत आ जाती है, और अगर प्रेम प्रसंग चल रहा है जिसे लव अफेयर कहते हैं, किसी से प्यार है या ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उनसे भी शादी होना मुश्किल हो जाता है, या फिर बहुत सारी बदनामी और धोखे आपको झेलने पड़ते हैं अगर आप अनमैरिड हैं तो भी और मैरिड हैं तो भी। आठवां होता है कर्कोटक काल सर्प दोष। कर्कोटक काल सर्प दोष में अष्टम भाव से द्वितीय भाव तक आपके राहु केतु होते हैं, यानी कि राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो यह योग बनता है, यानी कि अष्टम भाव से द्वितीय स्थान तक के बीच में। अब इसका फल क्या होता है, बहुत काम करने के बाद भी आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है अगर आप बहुत ही मेहनती हैं तो भी, जैसे कि 100% आप देते हैं आपको रिजल्ट या फ्रूटफुल रिजल्ट कितना आता है 10% मिलता है, तो आप मन इतना खराब हो जाता है कि यार छोड़ ही दूं ये काम, इतनी मेहनत मैं करता हूँ, सामने वाले को तो 200% रिजल्ट मिल जाता है, उसका फल मिल जाता है और मुझे 10% ही मिलता है, मैं तो वहीं का वहीं रह जाता हूँ। तो ये वाली चीज़ आ जाती है कर्कोटक में। दुर्घटना की भी संभावना रहती है, बहुत सारी दुर्घटनाएं अगर आपके जीवन में हो रही हैं तो ये आपको कर्कोटक काल सर्प दोष है। आपके अपने भी आपसे दूर होने लगते हैं और आपका जो वाणी है ना, जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता है, हर किसी से लड़ने लगते हैं, ये जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता है, ये कर्कोटक काल सर्प दोष की लक्षण है। नौवां बताती हूँ शंखनाद या शंखचूड़ काल सर्प दोष। इसमें कुंडली में देखेंगे नवम स्थान से तृतीय स्थान तक राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आते हैं तो ये शंखनाद या शंखचूड़ काल सर्प दोष बन जाता है। इसमें इसका फल ये इस प्रकार होता है कि नौकरी और तरक्की में बाधा आती है, मित्रों बहनोई मामा
के पक्ष से, बहनोई या मामा जी के मतलब मदर की साइड से बहुत ही कष्टपूर्ण और कपटपूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है। इतने नार्सिसिस्ट और कार्मिक लोग आपको अपने ही ब्लड रिलेशन से मिलने लग जाते हैं। इसमें शंखचूड़ काल सर्पदोष में ये लक्षण होता है और आपका व्यापार में जबरदस्त तरीके से घाटा होता है। पातक काल सर्पदोष दसवां काल सर्पदोष है, जिसमें दशम स्थान से लेकर चतुर्थ स्थान तक राहु केतु के बीच में जितने भी ग्रह आते हैं इसमें पातक काल सर्पयोग बनता है। इसका फल ये होता है कि इसमें जातक को व्यापार में घाटा होता है, भागीदारों से धोखा मिलता है, मन मुटाव रहता है और जो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट अधिकारियों से अनबन बनी रहती है, बार बार अनबन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है और फिर आपकी पोस्टिंग कहीं से कहीं फेंक दी जाती है कि जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। आप सोचते हैं मैंने सही तो बोला है, लेकिन गवर्नमेंट अधिकारियों से अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो पोस्टिंग आपकी कहीं से कहीं दूर स्थान में भेज दी जाती है। तो ये आपका पातक काल सर्पयोग की निशानी बनती है। ग्यारहवां है विषाक्त नामक काल सर्पयोग। इसमें एकादश स्थान से लेकर पंचम स्थान तक जितने भी काल ये आपके ग्रह हैं वो राहु केतु के बीच आते हैं तो ये योग बनता है। इसमें जातक को फिर से धन के मामले में परेशानी आती है, बदनामी होती है, परिवार से अलग हो जाना पड़ जाता है और कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, भूलने की बीमारी हो सकती है यानी कि स्मरण शक्ति में कमी आ जाती है, आप बहुत भूलने लग जाते हैं, भूलने लगते हैं यानी कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इवन आप हायर एजुकेशन भी लेना चाहते हैं तो बार बार भूलते हैं या टेस्ट में बैठते हैं, आप कहते हैं मैंने तो पूरी अच्छी तैयारी कर रखी है, टेस्ट में जाते हैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उसका रीज़न है आपको विषाक्त नामक काल सर्पयोग है। जीवन में संघर्ष भी रहता है, भय भी रहता है। एक बार ऐसा हो गया तो दूसरी बार भी आपको डर लगने लगता है कि कहीं दोबारा इस तरह से एग्जाम टाइम में ना हो जाए। बारहवां और आखिरी काल सर्पयोग है शेषनाग काल सर्पयोग। द्वादश स्थान से षष्ठम स्थान तक जितने भी ग्रह राहु केतु के मध्य आ जाते हैं तो ये योग बनता है। इसका फल ये होता है कि इस योग के कारण जातक को जितनी भी वो मेहनत करे उसको इच्छित फल प्राप्त नहीं होता है और आँखों में दर्द की समस्या बनी रहती है, मतलब आँख की समस्या कितनी सारी होती है उनमें से कोई ना कोई समस्या इनको बनी रहती है, इवन नींद भी नहीं आती है, अनिद्रा का रोग बन जाता है, सोते ही नहीं सारी रात उठे रहते हैं, नींद ही नहीं आती और बहुत ही अजीब तरीके का उनका जीवन जाता है कि दूसरे उनको फ्रॉड कहने लग जाते हैं, इस तरह का जीवन उनका अजीब सा हो जाता है और उनके अंदर मानसिक परेशानी आ जाती है, मानसिक प्रताड़ना लोग देने लगते हैं ऐसा भी लगता है और कर्जा इनका बहुत बढ़ जाता है, कर्ज लेने लग जाते हैं शेषनाग काल सर्पयोग में। तो ठीक है ना, अगर संतान सुख से अगर आपको तकलीफ हो रही है तो उसके लिए भी ये होता है कि संतान सुख कुंडली में आपके पंचम भाव पंचमेश और गुरु की स्थिति का आकलन किया जाता है, तो काल सर्पयोग में संतान सुख से वंचित रहने में भी भूमिका ये काल सर्पयोग निभाता है। कई बार बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है लेकिन प्रॉपर तरीके से या जो इच्छित संतान प्राप्ति है उस तरीके से नहीं हो पाती है, तो इस तरह की बातें आपकी कुंडली के अनुसार देखने को मिलती हैं। उसके लिए मैं किसी दिन अलग से बना दूंगी क्योंकि वो अलग ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने ये 12 काल सर्पदोष के बारे में बताया। अब आप कहेंगे कि मैम वो तो बताया नहीं आपने, क्या कहते हैं काल सर्प योग शांति, कुछ तो मैंने तरीका बता दिया है, बाकी मैं यही कह रही हूँ कि आप अगर नाग पंचमी का व्रत रखते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा जो कि अभी ही कही है, क्योंकि नाग पंचमी में सभी तरह के आपके भाव जागृत होते हैं। नाग पंचमी के दिन आप काल सर्प योग का अच्छी तरीके से पूजन हवन कर सकते हैं, जिसमें कि दूध से बनी खीर ये आप उसमें नैवेद्य में चढ़ा सकते हैं, प्रसाद में चढ़ा सकते हैं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। पूजन अर्चन करना तो बहुत ज़रूरी है ही, हवन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं, किसी को किसी से करवाना नहीं चाहते या मुझसे भी नहीं करवाना चाहते, इट्स ओके, तो खुद से करना चाहते हैं तो 12 महीने तक आप इसे करें, हर महीने हर एक काल सर्प का नाम का पूजन हवन करें खुद से। जैसे मैंने पहला बताया था कि पहला काल सर्प योग है अनंत काल सर्प योग, तो जनवरी से जैसे शुरू कर दें या अगर आज से इस नेक्स्ट मंथ से शुरू करने का मन कर रहा है तो आप सितंबर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी श्राद्ध के लिए समय अच्छा माना जाता है, तो एक तरह से
ये पितृदोष को भी समाप्त करता है, आपके राहु केतु की भी शांति करता है, शनि देव की भी शांति करता है। अगर हर महीने करेंगे तो इतना कष्ट तो आपको उठाना पड़ेगा, अगर आप खुद से करेंगे तो। किसी से करवाते हैं या मुझसे करवाते हैं तो एक दिन में ही काफ़ी असर दिखाई देने लगता है, क्योंकि एक ही दिन की पूजा होती है, लेकिन 5-7 घंटे की पूजा होती है, इंक्लूडिंग कि मंदिर जाना, दान दक्षिणा करना, आपके नाम का पंडितों को चढ़ाना, ये सारी चीज़ें, और घर में भी तो प्रसाद बनता है, खीर वगैरह, तो इसमें बहुत टाइम, एक दिन लगा लीजिए, 6-7 घंटे का मतलब एक दिन, फिर उसके बाद तो टैरो रीडिंग और उसके लिए ताकत थोड़ी कम ही बचती है, पर फिर भी ईश्वर की कृपा है, वो मैं कर लेती हूँ। बाकी अगर आपको खुद से करना है तो सितंबर से जैसे शुरू कर रहे हैं तो अनंत काल सर्प दोष की पूजन हवन कीजिए, फिर अक्टूबर में नेक्स्ट काल सर्प दोष की पूजा कीजिए जो कि कुलिक काल सर्प है। इसी तरह से नवंबर में करना चाहते हैं तो नवंबर में वासुकी काल सर्प दोष की पूजन हवन कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन पूजन हवन के बाद दान दक्षिणा करना जरूरी होता है, जो आप अपने हाथ से भी दे सकते हैं। बेसिकली काल सर्प दोष में शिव पूजा का बहुत महत्व होता है, तो सबसे पहले ओम गं गणपते नमः का जाप करें, उसके बाद शिव पूजन कर दें। बहुत डिटेल में बताने लगूंगी किस तरह से कैसे हाथ रखना है, क्या संकल्प लेना है, फिर तो वीडियो और भी घंटों की हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप शिव स्तुति करते हैं, शिव चालीसा करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान शिव के लिए ही माना जाता है। और अगर करना चाहें तो श्री शिवाष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, शिव गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं, श्री रुद्राष्टकम भी पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर शिव गायत्री मंत्र अगर रोज करें वो भी अच्छा रहेगा, वो मैं बता देती हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्र प्रचोदयात। इस मंत्र को लिख लेंगे, इस मंत्र को रट लेंगे, रोज ही रटना इन द सेंस अभ्यस्त हो जाइए और इसे रोज जप करें, उठते बैठते हमेशा शिव गायत्री मंत्र कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया नेट पे भी ढूंढ सकते हैं शिव गायत्री मंत्र क्या है, यही मिलेगा जो मैं बोल रही हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्र प्रचोदयात। तो इसमें हर तरह के आपके दुख कष्टों का निवारण हो जाता है। और या फिर आप शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र भी पढ़ सकते हैं, या श्री शिव का ध्यान करते हुए भोले बाबा का नाम कर सकते हैं, है ना, शिव जी की फिर आरती कीजिए, फिर या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र को जप सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र काफी लंबा होता है, अगर आप अभ्यस्त हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकते हैं या जॉब करते हैं 15-16 घंटे दूसरे कामों में ही लग जाते हैं, टाइम नहीं है, तो महामृत्युंजय का एकाक्षरी मंत्र कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो मैंने रुद्र गायत्री मंत्र बता दिया, अब मैं बता रही हूँ महामृत्युंजय एकाक्षरी मंत्र, जिसका नाम है होम, HAUM, होम। हिंदी में कहें तो ह में औ की मात्रा और बिंदी, तो ये हो गया होम। त्रयक्षरी मंत्र करना चाहें तो ओम जूम सह, ओम जूम सह, ओम जूम सह, ये है, ये कर लीजिए। चतुक्षरी मंत्र करना चाहें तो ओम वम जूम सह, नवाक्षरी मंत्र करना चाहें तो ओम जूम सह पालय पालय। महामृत्युंजय का दक्षाक्षरी मंत्र करना चाहें तो वो बता देती हूँ, ओम जूम सह माँ पालय पालय, माँ का मतलब आप अपने लिए कर रहे हैं, ओम जूम सह माँ पालय पालय। हाँ, अगर आप ये सवाल करना चाहते हैं, मैम अगर हमारे बच्चे पर है, किसी पर है, खुद से हम करना चाहें तो हम क्या करें, तो आप ये मंत्र कीजिए, ओम जूम सह माँ के जगह बच्चे का नाम लगा दीजिए, या पति के लिए करना चाहें, पति मानते नहीं है, कहना नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते या मानते नहीं है इस चीज को, तो माँ के जगह अपने हस्बैंड का नाम ले लीजिए, या जो भी आपके लव्ड वन है जिनके ऊपर काल सर्प दोष है तो उनकी जगह उनका नाम ले लीजिए। जैसे कि मैं ऐसे बता देती हूँ उदाहरण से, ओम जूम सह मोहित पालय पालय, मोहित मान लीजिए किसी का नाम है, बच्चे का, हस्बैंड का, डीएम का, किसी का भी नाम लेना है तो ये है इस तरीके से। नहीं तो आप महामृत्युंजय का पूरा ही मंत्र कर लीजिए, विदुक्त मंत्र है जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षी यम अमृतात्, ये वाला मंत्र कर लीजिए। नहीं तो तांत्रिक बीज मंत्र कर लीजिए, नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र करने के बाद राहु कवच पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद कवच स्त्रोत कीजिए, राहु कवच और राहु मंत्र करने के बाद आप केतु कवच स्त्रोत कीजिए और केतु मंत्र कीजिए, फिर आपको सर्प प्रार्थना भी करनी होती है, फिर नव नाग नाम स्त्रोत पढ़ लीजिए, नहीं तो सर्प सुक्त पढ़ लीजिए डेली। कई चीजें मैंने बता दी है आपको, जो ठीक लगे वो करते जाइए, या तो डेली सर्प सुक्त पढ़ लीजिए, बहुत इजी चाहिए तो होम का जाप कर लीजिए जो मैंने अभी बताया, ठीक है, नाग आरती तो करते ही रहें जब तक, नहीं तो मनसा देवी स्त्रोत पढ़ते रहें, और अगर श्री सिद्ध कुंजी का स्त्रोत पढ़ते हैं जिसमें श्री शिव उवाच और अथ मंत्र और इति मंत्र होता है, इनको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, जो कि तंत्र साधना से भी रिलेटेड है और मंत्र साधना से भी रिलेटेड है, यानी कि सात्विक भी है,
और तांत्रिक भी है, वैदिक भी है, ठीक है। ये चीजें आपके लिए बहुत सही रहेंगी। और अगर आप चाहें तो मृत संजीवनी कवचम, इसको भी पढ़ सकते हैं डेली। अगर आप संस्कृत अच्छी तरीके से पढ़ सकें तो डरने की बात नहीं होती है। अभी जिस तरह से ये सावन चल रहा है, चल ही रहा है, आज सोमवार है, तो इस तरह से आप सावन में शिवरात्रि में रुद्राभिषेक करेंगे तो भी अच्छा रहता है। गरुड़ पुराण पढ़ लें तो भी अच्छा रहता है। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें वो भी अच्छा रहता है। शिवलिंग पर बिल्वपत्र पुष्प चढ़ाते हैं वो भी अच्छा रहता है। दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करते हैं तो भी अच्छा रहता है। महामृत्युंजय का 32,000 बार जाप करते हैं रुद्राक्ष की माला से तो वो भी अच्छा रहता है। जो जैसा कर सके ना, ये वाली बात। उपाय तो बहुत सारे हैं। घर में आप मोर पंख रखें, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, तो अपनी जो मेन बुक्स हैं उनमें एक एक मोर पंख तो जरूर रखें, अच्छा रहता है। सोने उठने से पहले भगवान शिव का नाम लें या भगवान कृष्ण का भी नाम ले लें, एक ही बात है। काल सर्प दोष के निवारण बता रही हूँ मैं। शिव उपासना अक्सर करते रहें, रुद्र सूक्त की भी पाठ करते रहें, है ना। और चांदी के सर्प अगर बनाते हैं आप, जिसे चांदी के सर्प मतलब नाग नागिन का जोड़ा जिसे कहते हैं, उसको आप बहते पानी में छोड़ सकते हैं पूजन अर्चन के बाद, ये भी होता है। क्योंकि काल सर्प दोष में आपके शत्रु भी बहुत हो जाते हैं, जिनको काल सर्प दोष है उनको ब्लैक मैजिक का भी योग बन जाता है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। तो कुल देवता की अगर आप उपासना करें वो भी बहुत अच्छा है। और अगर आप जैन मतावलंबी हैं, यानी कि जैन धर्म से संबंध रखते हैं, तो आपको विषधर स्फुलिंग मंत्र का पाठ करना चाहिए। ये आपको मालूम होगा कि विषधर स्फुलिंग क्या है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं, घर में खुद से कर सकते हैं। सात्विकता का पाठ और पूजन तो करना ही चाहिए, कोई भी मंत्र है सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। तो इससे आपके हर तरह के पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष, केतु दोष और काल सर्प दोष के निवारण हो जाता है। और भी अगर डिटेल में जानना है तो उसके लिए तो आप कोई ना कोई कोई पुस्तक खरीदें, या फिर नेट पे तो देखिए बहुत कुछ आता है और इधर उधर हो जाते हैं, दिमाग भ्रमित हो जाता है, थक जाती हैं आंखें भी। आप सबसे अच्छा रहेगा कि किताबें खरीदें। किताबें अगर आपकी मथुरा साइड की हैं, वाराणसी साइड की हैं, हरिद्वार की हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन दिल्ली छे की किताबें अगर आप पढ़ते हैं पूजा से संबंधित, तो उसमें एक तो मिस्टेक्स होती हैं, दूसरा प्रॉपर तरीके से नहीं दिया होता है, तो प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो जितना हो सके एक अच्छी किताब लेके फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से काम कर तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच इतनी लंबी वीडियो देखने, सुनने और समझने के लिए। आई होप कि मैंने कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर की होगी। अगर की है तो, अगर आपको हेल्प हुई है तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेरी वीडियोस आपको मदद कर रही हैं। धन्यवाद। खुश रहें, हमेशा खुश रहें।